अपने जीवन का दो दशकों से अधिक समय एक ऐसे व्यक्ति के लिए दिया है जिस व्यक्ति का कायल आज पूरा विश्व हुआ है, जिस व्यक्ति का मुरीद पूरा हिंदुस्तान है, पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा पूर्वांचल है, मऊ है और मऊ का एक एक व्यक्ति है। साथियों, निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, दुनिया में बढ़ाया है। उनके उस वीरगाथा में यह हमारा सौभाग्य है कि उनकी इस वीरगाथा में हमारे इस धरती का, हमारे इस पूर्वांचल की माटी का लाल श्री अरविंद सिंह, अरविंद शर्मा जी का भी योगदान रहा है। 20 साल तक आपने उस उनके अभियान को सफल बनाने में आपने सहयोग किया है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने देखा, जब मैं एमएलसी बनने के बाद आपसे मिला तो हमने देखा कि आपके अंदर इस पिछड़े पूर्वांचल के विकास को लेकर एक तड़पन थी, यह हमने महसूस किया। और आज जब आप एमएलसी बनने के बाद इस मऊ की सरजमी पर पहले दिन आए हैं तो आप लोग, आपने मऊ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन का जो शुभारंभ करने का तोहफा हमें दिया है, आप निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। आपका प्रयास है, आपकी यह भावना है कि भारत के नक्शे से, दिल्ली से जो दिन प्रतिदिन मऊ की दूरी खत्म होती जा रही है, उस दूरी को कम किया जाए, मऊ को दिल्ली से जोड़ा जाए। साथियों, एक जमाना था जब हम लोगों के नेता श्रद्धेय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस पूरे पूर्वांचल का विकास किया, उन्होंने मऊ का निर्माण किया। और आज उनके नारे आने के बाद एक जो पूर्वांचल और मऊ के जनपद के लोगों को विकास की को कमी खल रही थी, वह उम्मीद की किरण हम लोगों को श्री अरविंद शर्मा जी के रूप में दिखाई दे रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से श्री अरविंद शर्मा जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सहयोग में लखनऊ से मऊ तक उमड़ा यह जन सैलाब, यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का हर एक नौजवान आपके लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होगा। इन्हीं बातों के साथ आपको अभी अन्य कार्यक्रमों में जाना है, आपके स्वागत में माननीय मनोज जी, अवध नारायण चाचा, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, पूर्वांचल के दूर दराज के इलाकों से आए हुए हमारे शुभेच्छक मित्र, और जिनका बहुत लोगों का नाम मनोज जी ने लिया, उन सबका नाम मैं फिर दोहराना नहीं चाहूँगा। हो सकता है कि सबका नाम ले भी ना पाए हों, संभव नहीं है शायद इतनी बड़ी संख्या में नाम ले पाना। उन सबको मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ख़ास करके मुझसे उम्र में जितने लोग बड़े हैं, कुछ लोग मंच पर भी उपस्थित हैं, कुछ लोग सामने भी हैं, और उनको सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और अपने से जो छोटे हैं उन बच्चों को मेरा प्यार और स्नेह स्वीकार। मित्रों, मऊ की मिट्टी को मैं नतमस्तक होकर के पुनः पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। इसी मिट्टी में मेरा बचपन बड़ा हुआ है, संवरा है, संभला है। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज में की है, आपको मालूम ही होगा। और उसके भी पहले मऊ से हमारा अभिन्न नाता रहा है। हमारे पिताजी यहाँ रोडवेज में नौकरी करते थे, तो हम लोग उसके भी पहले से आते जाते थे। और 8 से कक्षा 9, 10, 11, 12 तो मैं यहीं पढ़ाई हूँ। इस रोड पे, खास करके पैराडाइज रोड पे, मैं शाम को कई बार मिठाई खाने और चाय पीने निकलता था। और बस स्टेशन के पास कुछ दुकानें हैं, अब तो वो लोग पुरुषोत्तम भाई हलवाई थे, ये सब मिलना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक स्थानीय परिस्थिति की बात है, वो मुझे लगता है कि पहले से भी बदतर हुई है, पहले से भी लचर हुई है। हमारी जनसंख्या बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है, वाहन बढ़े हैं, लेकिन उस तरह की जो संरचना है, आधारभूत संरचना है, उसमें विकास नहीं हुआ है। तो इसे हमें आगे ले चलना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अभी मैं यहाँ आने के पहले शीतला माई के मंदिर गया था। शीतला माई के मंदिर से मुझे एक आवाज़ मिली, और उस आवाज़ को मैं एक नारे के रूप में आप लोगों को दे करके जाना चाहता हूँ, और उसे मैं अपने जीवन का एक मंत्र बना करके आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा, शीतला माई का वरदान
आप बोलेंगे मऊ में आए फिर मुस्कान, शीतला माई का वरदान, शीतला माई का वरदान, शीतला माई का वरदान। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हमारा स्वागत किया और मऊ के ही लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला बल्कि पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बड़े लोग और हमारे समकक्ष हमारे हमसे जूनियर बच्चों का भी स्नेह और प्रेम मिला, उसके लिए मैं खरे वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने का, आप कई घंटे से यहाँ धूप में खड़े हैं, मैं आप सबको खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, स्वतंत्र देव सिंह की, जेपी नड्डा की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद आप सबको।